नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत। जय श्री स्वामी समर्थ। जीवन को सही दिशा देने में निर्णय का बहुत बड़ा हाथ होता है। हम सभी छोटे बड़े निर्णय लेते रहते हैं। निर्णय में इतनी क्षमता होती है कि एक निर्णय हमारी खुशी, नाराजगी, सुख दुख तय करता है। यानी स्वामी कहते हैं, निर्णय सही हो तो आप रंग से राजा बनते हैं, आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। तो वही गलत निर्णय आसमान की ऊंचाई से जमीन पर ला सकता है, यानी राजा से रंक बन सकता है। तो चलिए आगे जानते हैं कि हमारे जीवन को सही दिशा देने के लिए निर्णय किस तरह लिए जाते हैं जो बेहतर जिंदगी बना सकते हैं। स्वामी ने अपने भक्तों को कहा है, जब आपके पसंदीदा चीजें होने लगती है तो आप कैसा महसूस करते हैं, और इच्छा अनुसार नहीं होता तब आप कैसा महसूस करते हैं, और दोनों में से आपको कैसा महसूस करना अच्छा लगेगा। जाहिर है, अच्छा महसूस करना किसी को भी अच्छा ही लगेगा। जिस तरह अर्जुन भी अपने कौरव भाइयों के विरुद्ध लड़ना नहीं चाहते थे, उनको मारने से अर्जुन को खुशी नहीं मिलने वाली थी, इसलिए स्वामी कहते हैं कि निर्णय कभी भी भावनाओं में रहकर नहीं लिए जाते हैं। भावनाएं बदलती रहती है, स्थिर नहीं होती, किंतु निर्णय का असर जीवन भर रहता है। जिस भावनाओं के आधार पर आप निर्णय लेते हैं, कुछ दिन बाद वो भावनाएं नहीं रहेगी, पर उस समय लिया हुआ निर्णय जरूर रहेगा। इसलिए जो भावनाओं में आकर निर्णय करते हैं, उन्हें पछतावा होता है। आगे स्वामी बताते हैं, शांत और स्थिर पानी में ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक वैसे ही शांत और स्थिर मन से ही सही निर्णय किया जा सकता है। अर्थात जब आप ज्यादा खुश रहेंगे या ज्यादा दुखी होंगे, तभी ना कोई निर्णय ले और ना ही कोई किसी को वचन दे, क्योंकि खुशी और दुखी ये भाव है जो ज्यादा देर नहीं रहते। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में लिया हुआ निर्णय गलत ही साबित होता है। आगे स्वामी कहते हैं, निर्णय लेने के पहले खुद से इतना पूछे कि ये निर्णय आपने किसी दबाव या किसी लगाव में आकर तो नहीं ले लिए, क्योंकि ऐसे समय में लिए हुए निर्णय भी कुछ पल की खुशी देता है, पर उम्र भर पछतावे का कारण बन सकता है। इसलिए स्वामी ने सदैव निष्काम कर्म पर जोर दिया है, यानी बिना फल की चिंता किए कर्म करना, कोई भी लालच या लोभ का विचार ना कर निर्णय लेना चाहिए। निर्णय से कोई ऐसा फल तो नहीं मिलेगा जिससे आपका मन दूषित हो, ये जरूर देखें। और अति महत्वपूर्ण स्वामी समझाते हैं कि जो काम आप कर रहे हैं, यदि उस पर विश्वास ना हो तो ना खुशी मिलेगी और ना ही सफलता। इसलिए ये भी देखना जरूरी है कि जो आप कर रहे हैं, क्या आपको विश्वास है। अगर आपको थोड़ी भी शंका होगी तो उस काम को उस समय ना करें, अपने निर्णय के बारे में दोबारा सोचें, और यदि फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो स्वामी का या किसी अन्य स्वरूप का आप स्मरण कर सकते हैं, फिर निर्णय ले सकते हैं। स्वामी ने कहा है कि इतना याद रखिए, जो जनता या समाज के लिए अच्छा ना हो, सही ना हो, वो आपके लिए भी सही नहीं हो सकता। तो इस तरह से भी देखकर आप सही निर्णय ले सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों, स्वामी ने बताए हुए निर्णय लेने के कुछ तरीके आपको आपके निर्णय लेने के लिए भी आसान हुए होंगे। अपना ख्याल रखें, दैत्य माँ की रक्षा करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। धन्यवाद। जय हो।